हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन कापड़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ HSC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक सब टॉपिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि FYJC OCM सब्जेक्ट में लास्ट ईयर हमने मैनेजमेंट को सीखा था। अगर आप भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं सिंपल तरीके से आपको उसका मतलब यहाँ पे बता देता हूँ। लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एन एक्टिविटी। हाँ, किसी भी एक्टिविटी को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। क्या है मैनेजमेंट? एक एक्ट है जहाँ पे लोगों को साथ लेकर हमारे यानी कि बिजनेस के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, जो भी साधन हैं, उसका एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ इस्तेमाल करके गोल को पूरा करना। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी बिजनेस का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो एक बिजनेस में लोगों के साथ बिजनेसमैन को डील करना होता है और हम सबको पता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो उन लोगों से कैसे काम करवाए जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, वो जो प्रोसेस है, वो जो एक्ट है, हम उसको मैनेजमेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन अ हाउसवाइफ गेट्स अप इन द मॉर्निंग, शी हैज़ इन हर माइंड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग ऑफ हाउस, वॉशिंग क्लोथ्स, गेटिंग किड्स रेडी फॉर द स्कूल, प्रिपेरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एट्सेट्रा। जब एक हाउसवाइफ सुबह उठती है, उसके मन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे घर साफ करना है, कपड़े धोना है, बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए, खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। और मान लो उसके परिवार में 3 लोग हैं उसको हेल्प करने के लिए। इन द फैमिली शी हैज़ 3 पीपल्स टू हेल्प हर, हर सर्वेंट, हर एल्डेस्ट डॉटर एंड हर मदर इन लॉ। हर एम इज़ टू डिवाइड द वर्क इन सच अ वे दैट ऑल द वर्क्स गेट्स कम्प्लीटेड इन अ राइट वे एट द राइट टाइम। तो उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य ये है कि ये जो 3 लोग उनके पास है, उन तीनों से ऐसे काम करवाएं पूरा जिससे वो सही काम सही समय पे पूरा हो जाए सही तरीके से। तो ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरा एग्जांपल था जहाँ पे एक हाउस वाइफ अपने घर को मैनेज कर रही है। अब हम सीखते हैं कि प्रिंसिपल मतलब क्या। अ प्रिंसिपल मीन्स टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट। प्रिंसिपल क्या है? टेक्निक्स या सिस्टम्स जिसका इस्तेमाल करने पे हमको डायरेक्शनल रिजल्ट मिलते हैं। डायरेक्शनल रिजल्ट मतलब हम जिस डायरेक्शन में रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। जैसे बिजनेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस का सेल्स बढ़े, तो ये इस डायरेक्शन में अगर मुझे अपने सेल्स को बढ़ाना है तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मुझे सहायक बनेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन अ क्रिकेट और एनी अदर गेम, टोटल प्ले इज डिज़ाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क। तो एक एग्जाम्पल, एक मैनेजमेंट के एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर आप देखो, एक कीपर होता है, एक बॉलर, फील्डर्स होते हैं, तो क्या करते हैं ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन क्या करेगा? सही व्यक्ति जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको वो काम दिया गया है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, टीम के ऊपर, जिसका गोल क्या है, मैच को जीतना। यानी कि एक प्रिंसिपल कैसे क्रिकेट मैच को जीतने में सहायक बन रहा है, वैसे ही वो बिजनेस को भी सहायक बनता है। तो चले आइए अब हम सीखते हैं एक एक करके नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्वभाव क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। इनको क्यों बनाया गया है? एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिससे वो जो गोल है बिजनेस का उसको अचीव करने के लिए एफिशिएंसी से आगे बढ़े। सबसे पहला जो नेचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सलिटी रिफर्स टू दैट ट्रूथ विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल द स्फीयर्स। स्फीयर्स यानी होता है पहलू। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है ऐसा सच जो सब जगह समान तरीके से अप्लाई होता है। इसके यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑफिस हो, कॉलेज, स्कूल्स, प्लेग्राउंड हो या क्लब्स हो, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, जाने अनजाने में ऑब्जेक्टिव को उस संस्था के पूरे करने के लिए। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस यानी कि देखो, अब जैसे हम प्रिंसिपल बात करें, प्रिंसिपल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल कैसे हैं? बहुत ही क्लियर और डेफिनेट है और उनका आउटकम भी हमको पता है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु को जोड़ दिया जाए तो पानी बनेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये काफ़ी डेफिनेट है, एकदम पक्का है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेफिनेट नहीं हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आर ऑफ नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस एंड दे कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली। ये इसको स्ट्रिक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक बार अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है या अचीव करना है तो उसी प्रिंसिपल को आप बार बार यूज़ करो और आपको वही रिजल्ट मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि एम्प्लॉय का एफिशिएंसी पूरा हो, तो एक प्रिंसिपल होता है रेम्यूनरेशन। एक बार रेम्यूनरेशन बढ़ाने से शायद एफिशिएंसी आपको मिल जाए, एम्प्लॉय अच्छे से काम करें, ज़रूरी नहीं है हर जगह पैसा ही एफिशिएंसी को बढ़ाए। थर्ड पॉइंट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल। ये प्रिंसिपल्स कहाँ से आए? मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया बिजनेस करते समय, तो उन्होंने इस सिचुएशंस और डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर रिसर्च किया और वो सोल्यूशन लेकर आए। ये सोल्यूशन बाद में सब जगह माने गए और इनको प्रिंसिपल का नाम दिया गया। पॉइंट नंबर फोर, फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज दे एग्जिस्ट टुडे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रूथ एंड विच व्हेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस, न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज। ओल्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो आज के जो प्रिंसिपल है वो आज के इकोनॉमिक कंडीशंस, आज के सोशल चेंजेस के हिसाब से अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे इकोनॉमिक्स चेंज होगी, सोशल चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे प्रिंसिपल्स को भी बदला जाएगा समय की ज़रूरत के हिसाब से। यानी कि ये प्रिंसिपल कैसे हैं? डायनामिक है, ये बदलते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है। पॉइंट नंबर फाइव, मेनली बिहेवियर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर। द मैनेजमेंट एक्टिविटी इज मेनली कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ मैन हु इज़ अ सोशल एनिमल हैविंग हिज ओन नेचर, डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनको क्यों बनाया गया है? इनको ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया गया है। देखो, किसी भी बिजनेस में जो सबसे एक्टिव जो एस्पेक्ट होता है, रिसोर्स होता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और वो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी इच्छाएं हैं और एक्सपेक्टेशन है। अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करें तो पहले हमको उनके बिहेवियर को समझना होगा।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर को समझने के बाद बनाए गए हैं, जिससे वो ह्यूमन से हम हमारा काम ऑब्जेक्टिव पूरा करवा सकें। पॉइंट नंबर 6, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। दे स्पेसिफाई वॉट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर मैनर। वो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपको क्या आउटकम मिलेगा अगर आपने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, एक प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पूरा वर्क है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए और वो जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है, जिसका इंटरेस्ट है और जो कैपेबिलिटी है, उसको वो काम करने देना चाहिए। जब ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो क्या होती है, एफिशिएंसी एम्प्लॉय की बढ़ती है और ओवरऑल एफिशिएंसी बिजनेस की बढ़ती है। तो इस केस में फ्रेंड्स, डिवीजन वर्क क्या था, कॉज, कारण था, और इंक्रीज इन एफिशिएंसी क्या था, उसका इफेक्ट या उसका परिणाम। पॉइंट नंबर 7, ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, सबका समान महत्व है। यू कैन नॉट से दैट वन प्रिंसिपल इज ओवर इज बेस्ट एंड अदर आर नॉट सो गुड। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विद द सेम फोकस, देन इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं, सभी का समान महत्व है और सभी को साइमल्टेनियसली एक साथ में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी एक प्रिंसिपल को अगर अधिक महत्व दे दिया जाए और दूसरे पे फोकस ना किया जाए, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में इफ़ेक्ट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के दिन का जो सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये सेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में सहायक हुआ होगा। आने वाले दिनों में हम और ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आता रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। थैंक यू।